सो हेलो गाइस, तो फिर से आपका वेलकम है न्यू वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बात को। इससे पहले अगर चैनल को पहली बार विजिट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ में आज की पहली अपडेट की बात कर ली जाए तो ये जुड़ी हमारे सीनियर लीडर जॉन सिन्हा के रिटर्न से। सो आपको पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट पेपर इवेंट बैकलैश क्या फ्रांस में होने वाला है। एंड हमारे जो जॉन सिन्हा अभी करंटली क्या फ्रांस में अपनी मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जॉन सिन्हा मे बी इस साल के बैकलैश में अपनी अपीयरेंस क्या कर सकते हैं। और ऐसा क्या हो ही नहीं सकता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो पास में और जॉन सिन्हा ना आए। सो अगर जॉन सिन्हा आपको बैकलैश में देखने को मिलते तो आपको सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। एंड वैसे भी हमारे जो जॉन सिन्हा कभी भी फैंस को क्या डिसअपॉइंटमेंट नहीं करते। अगली अपडेट की बात कर ली जाए तो जुड़ी है हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस से। सो इस साल के समर स्लैम में हमें रोमन रेंस का काफी तगड़ा वाला मैच क्या देखने को मिल सकता है, जहाँ पे जो हमारे रोमन रेंस पुरानी ब्लड लाइन के साथ यूनाइट होकर जो न्यू ब्लड लाइन को क्या फेस कर सकते हैं। आपको पता होगा जो पुरानी ब्लड लाइन में जिमी उसो, जे उसो एंड रोमन रेंस थे, एंड वही न्यू ब्लड लाइन की साइड से सोलो सिकुआ, टामा टोंगा एंड जैकब फाटू। सो रोमन रेंस का सिक्स मैन टैग टीम वाला मैच क्या हमें साल के समर स्लैम में देखने को मिल सकता है। और भाई मैं अपनी बात करूँ तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मैच को देखने के लिए। सो क्या आप भी सिक्स मैन टैग टीम मैच को देखना चाहते हो साल के समर सेल में, कमेंट में जरूर बताना। अगली अपडेट की बात कर ली जाए तो ये जुड़ी व्हाइट फैमिली के पुराने मेंबर एरिक रोवन से। सो करंटली एरिक रोवन ने डब्ल्यूडी कंपनी के साथ एक न्यू डील को क्या साइन कर लिया है। यहाँ पे जो एरिक रोवन की न्यू डील होने वाली है मल्टी ईयर क्या डील होने वाली है। और भाई ये न्यूज क्या कोई भी फेक नहीं है। एंड यहाँ पे जितने भी सोर्सेस है वो बता रहे कि एरिक रोवन ने डब्ल्यू कंपनी के साथ क्या न्यू डील को साइन कर लिया है। अगली अपडेट की बात कर ली जाए तो जुड़ी हमारे राइट हैंड मैन जे उसो से। सो रिसेंटली जे उसो ने अपने सभी टैटूज का क्या फोटोशूट करवाया है। और भाई यहाँ पे जो जे उसो के सभी टैटूज है वो काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। एंड यहाँ पे जे उसो ने उमागा को ट्रिब्यूट देने के लिए स्पेशल टैटू क्या बनवा रखा है उमागा का। अगली अपडेट की बात कर ली जाए तो ड्रू मैकइंटायर ने सीएम पंक की वाइफ को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्या दिया है। सो ड्रू मैकइंटायर का कहना कि अगर वो शादीशुदा नहीं होता तो सीएम पंक की वाइफ को क्या उनसे छीन लेते। तो भाई जो ड्रू मैकइंटायर है सीएम पंक की राइवल हो किसी और ही लेवल में क्या चल रही है करंटली। एंड यहाँ पे जो ड्रू मैकइंटायर है वो काफी ज्यादा पर्सनल हो गए सीएम पंक से। सो डब्ल्यूडब्ल्यू का एक ऐसा बड़ा मैच जो हमें बहुत जल्दी क्या देखने को मिल सकता है। एंड ये मैच हो सकता है गुंथर एंड इलिया ड्रैगनोव के बीच में। आपको पता होगा कि इलिया ड्रैगनोव एंड गुंथर के बीच में काफी तगड़ी वाली हिस्ट्री क्या रह चुकी है। एंड यहाँ पे जो इलिया ड्रैगनोव है वो पहला बंदा था जिसने क्या गुंथर को हराया था। एंड अभी दोनों ही क्या सेम ब्रांड में, तो हमें ये मैच क्या बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट की बात कर ली जाए तो जुड़ी हमारे इंडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी ओट्स से। सो कोडी ओट्स ने खुद बोला कि वो फेस करना चाहते हैं गुंथर एंड द रॉक को। एंड यहाँ पे कोडी ओट्स ने खुद के फ्यूचर के ओपोनेंट्स को रिवील कर दिया एंड ये होने वाला गुंथर एंड द रॉक। सो हे गाइस, तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथ में।